की मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है विक्रांत रोना। बहुत सारे लोग विक्रांत रोना बोले, इट्स नॉट रोना, इस रोना अणा। तो चलिए खैर ये तो दूसरी बात है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, बॉलीवुड वालों ने भाई देखते ही रोस्ट कर दिया क्योंकि आम जनता को थोड़ा लेट समझ में आई मूवी। पहला हाफ काफी ज्यादा बोर कर देने वाला था उनके लिए, बट काजोल इज ए सेंसिबल एक्टर, उनका कहना था कि काफी ज्यादा बोरिंग था, पहले हाफ में आना पड़ा, देयर वर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, घर पे और भी चीजें थी काम करने के लिए। तो भैया आपके पास इतनी अच्छी चीजें थी करने के लिए तो आप मूवी देखने क्यों गए। एंड मैं आपको बता दूं भाई, मिस्ट्री फिल्म्स ऐसे ही डेवलप होती हैं, ऐसे ही इनका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है और ऐसे ही बिल्ड की जाती है। देखिए सुदीप किच्चा और अजय देवगन का एक भारी मामला हो गया था रिसेंटली, जहां पर किच्चा सुदीप ने हिंदी के ऊपर कुछ बोला था एंड अजय देवगन वाज लाइक हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है, और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर हिंदी में ही ट्वीट किया था सुदीप किच्चा को, और उन्होंने काउंटर किया था कि क्या होता अगर मैं भी इस रिप्लाई का आंसर आपको कन्नड़ा में देता, ये गलत हो जाता, वी शुड रिस्पेक्ट द लैंग्वेज। भाई उस टाइम पर काफी बड़ा बवाल खड़ा हो गया था, वो तो किच्चा सुदीप जी थोड़े समझदार थे तो बच के निकल के। और देखिए अब इनकी मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है विक्रांत रोना। बहुत सारे लोग विक्रांत रोना बोले, इट्स नॉट रोना, इस रोना अणा। तो चलिए खैर ये तो दूसरी बात है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, एक लीक चली आ रही थी मूवीज की, जहां पर पैन इंडिया मूवीज बैक टू बैक भाई आतंक मचा रही थी। बीच में अगर बीस्ट को छोड़ दें तो हर एक मूवी ने बड़ा बिजनेस किया है, और अब बारी थी सुदीप किच्चा की प्रूव करने की अपने आप को और कन्नड़ा इंडस्ट्री को, क्योंकि कन्नड़ा इंडस्ट्री ने एक बार पहले भी धमाका किया था केजीएफ चैप्टर 2 के साथ। लेकिन ये मूवी देखिए, सबसे पहले तो सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, मिस्ट्री है इस मूवी के अंदर, तो स्लो स्टार्ट होना तो बनता था, कैरेक्टर्स डेवलप होंगे एंड देन क्लाइमेक्स जो इस मूवी का था वो वाकई में बहुत अच्छा रहा था। एंड इसके ऊपर सारी मूवी बेस थी कि कैसे क्लाइमेक्स तक पहुंचते हैं, और बॉलीवुड वालों ने भाई देखते ही रोस्ट कर दिया क्योंकि आम जनता को थोड़ा लेट समझ में आई मूवी। पहला हाफ काफी ज्यादा बोर कर देने वाला था उनके लिए, बट काजोल इज ए सेंसिबल एक्टर, उन्होंने गुप्त जैसे फिल्म करी है, देन सी नोज द मीनिंग ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री। लेकिन उनकी ऐसी स्टेटमेंट भाई साफ दिखाती है कि देखिए अजय देवगन की बेइज्जती से उनका पेट भरा नहीं। उनका कहना था पूरी फैमिली को लेके गई थी क्योंकि साउथ की मूवीज का काफी ज्यादा हल्ला था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये साउथ नॉर्थ कुछ भी नहीं, नाउ दीज आर पैन इंडिया रिलीज। सेकेंडरी थिंग जो उन्होंने कही कि काफी ज्यादा बोरिंग था, पहले हाफ में आना पड़ा, देयर वर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, घर पे और भी चीजें थी काम करने के लिए। तो भैया आपके पास इतनी अच्छी चीजें थी करने के लिए तो आप मूवी देखने क्यों गए। एंड मैं आपको बता दूं भाई, मिस्ट्री फिल्म्स ऐसे ही डेवलप होती हैं, ऐसे ही इनका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है और ऐसे ही बिल्ड की जाती है। कभी विक्रांत रोना का कोई भी रिप्लाई आया नहीं इस चीज को लेकर कि काजोल ने ऐसा कहा। भाई आई थिंक इन्होंने मूवी के रिव्यू नहीं दी, आई थिंक इन्होंने ना भड़ास निकाली है अपने पति की हुई बेइज्जती की। आपकी इस बारे में क्या राय है जरूर बताइएगा, कि क्या इनका ये रियल रिव्यू था, आपने भी ऐसा ही फील किया, या फिर उन्होंने भाई भड़ास निकाली चुपचाप से। जल्दी से कमेंट करके बताएं, मिलता हूं से बहुत जल्द नई न्यूज़ अपडेट्स के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।